जीवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू हो गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से फिल्म सिटी को विकसित किए जाने का काम बाकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यमुना सिटी में विकसित होने वाली फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा आदेश दिया है। बुधवार को प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान उन्होंने इसे जल्दी पूरा करने को कहा। सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जाएं। इस फिल्म सिटी को देश दुनिया के फिल्मकारों कलाकारों की पहली पसंद बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित इस फिल्म सिटी में डिजिटल स्टूडियो से लेकर वीएफएक्स स्टूडियो और फिल्म एकेडमी तक के निर्माण की योजना है। निर्माणकर्ता कंपनी सीबीआरआई ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि फिलहाल 12 क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है। इसमें स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो, आउटडोर स्टूडियो, शूटिंग विलेज शामिल है। सीबीआरआई के मुताबिक इस फिल्म सिटी में एडिटिंग स्टूडियो और डबिंग स्टूडियो भी होंगे। फिल्म प्रीमियर के साथ ही विश्व स्तरीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने के लिए विशेष ऑडिटोरियम भी बनाए जाएंगे। फिल्म एकेडमी के निर्माण के लिए भी अलग से भव्य परिसर बनाया जाएगा। इस फिल्म सिटी में 5-स्टार होटल, डॉर्मेट्री, रिटेल शॉप, मनोरंजन पार्क के भी निर्माण की योजना है। फिल्म सिटी में हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फिल्म सिटी खूबसूरत हो इसके लिए सीबीआरआई फिलहाल हॉलीवुड से लेकर भारत के मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई के तमाम स्टूडियो का अध्ययन कर रही है। इस फिल्म सिटी का निर्माण 6000 करोड़ की लागत से यमुना एक्सप्रेसवे के प्राधिकरण की 1000 एकड़ जमीन में कराया जाना है। यूपी सरकार की योजना है कि इस फिल्म सिटी में विश्व स्तर के सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। फिल्म सिटी को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाना है। इसके लिए 3 मॉडल पर विचार किया जा रहा है। इन तीनों में से एक मॉडल को फिल्म सिटी के विकास में अपनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।